कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुले कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल लौटी रौनक। देवीगंज के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में 111 पंजीकृत बच्चों में से 45 बच्चे पहले दिन आए विद्यालय। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यालयों में होगा पठन पाठन का कार्य। नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक दिखने लगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले माध्यमिक तथा बेसिक के बाद अब 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों में भी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य शुरू करा दिया गया है। बुधवार को एक बार फिर से लंबे अंतराल के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे और कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई की। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। चेहरे पर मास्क की अनिवार्यता तथा उचित दूरी के साथ कक्षाओं में बैठे छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। जनपद के सिराथू तहसील क्षेत्र अंतर्गत देवीगंज स्थित प्राइमरी स्कूल में भी बुधवार को चहल पहल देखने को मिली। सुबह होते ही बच्चे स्कूल जाने की तैयारियों में जुट गए और अपना अपना ड्रेस पहनकर स्कूल के लिए निकल पड़े। इस दौरान विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक व अध्यापक इंद्रजीत सिंह, विनीत कुमार सिंह, सत्यम कुमार चांदनी बेगम द्वारा पढ़ाई के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन कराया गया। स्कूल खुला है काफी दिनों बाद, आपको कैसा लग रहा है? सर, हमें अच्छा लग रहा है। और हमारी पढ़ाई लॉकडाउन में सब खत्म हो गई है और हम जिससे पढ़ना चाहते हैं वो हम आगे। गुरु जी, आज काफी दिनों बाद विद्यालय खुला हुआ है, बच्चों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? संख्या कितनी है? काफ़ी उत्साह बच्चों में देखने को मिल रही है। बच्चों का अच्छा तक सजाया गया, बच्चों की परसेंटेज 50% तक है। कोविड-19 सेकंड वेव का। किस माह से विद्यालय बंद था? अप्रैल माह 2020। यूएफटी न्यूज 24 के लिए पवन साहू की रिपोर्ट।